नमस्कार, टॉप 20 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। आइए शुरुआत करते हैं टॉप 20 न्यूज के साथ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार दुत्कारे जा रहे आतंकी मुल्क पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में आतंक फैलाने के लिए की जा रही जी तोड़ कोशिशों को अब खली उड़ने लगी है। भारतीय जनता पार्टी ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि ये आतंक मुल्क जिस गलतफहमी में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा है, ये उसे अब भारी पड़ने वाले हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा है कि पाकिस्तान अगर अपनी नींव हरकतों से बाज नहीं आया तो वो दूर दिन नहीं जब तिरंगा लाहौर और इस्लामाबाद के साथ साथ इमरान खान के घर पर भी लहराता नजर आएगा। रैना ने कहा है कि अनुच्छेद 370 हटने से रियासत की आवाम बेहद खुश है, लेकिन पाकिस्तान और उसके हिमायतों को ये फैसला रास नहीं आ रहा है जो कश्मीर की सरजरी के को खून से लथपथ कर रहे हैं। भारतीय रेल विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण कर कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ने के लिए दिन रात काम कर रहा है। इसे विडम्बना ही कहा जाएगा कि कश्मीर को कन्याकुमारी से संपर्क जोड़ने के इस काम में जल संसाधनों को नुकसान पहुंचाने के, जिससे 20,000 के करीब जनसंख्या का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश के स्वच्छ प्रतिष्ठित संस्थानों को की रैंकिंग में माता वैष्णो देवी को देश का सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ स्थल घोषित किए जाने की ओर चारों ओर सराहना हो रही है। इस उपलब्धि को लेकर माता वैष्णो देवी आए श्रद्धालुओं ने भी सराहना की है। भाजपा सुचेतगढ़ मंडल की ओर से नई बस्ती गुलाबगढ़ में आज पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी की अगुवाही में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर अर्जुन सिंह ने अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए। भाजपा द्वारा पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता की अध्यक्षता में जम्मू में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद थे। बैठक में 11 सितंबर से बूथ व ब्लॉक स्तर पर होने जा रहे भाजपा के संगठनात्मक चुनावों पर चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी की जम्मू पश्चिम इकाई ने आज एक बैठक का आयोजन कर कल यानी 11 सितंबर से शुरू हो रहे पार्टी के संगठनात्मक चुनावों की तैयारियों की अंतिम रूप दिया। सिंगल यूज प्लास्टिक को अलविदा करने के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए चलाए जाने वाले अभियान के तहत सांबा में आज एक बैठक का आयोजन किया गया। सांबा के डीसी रोहित खजूरिया की अगुवाही में आयोजित इस बैठक में जिला अधिकारियों के अलावा सांबा के सभी पंचायतों के पंच सरपंचों ने भाग लेते हुए 11 सितंबर से 27 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान को सफल बनाने में अपना हर संभव योगदान देने का ऐलान किया। रोहित खजूरिया ने इस अभियान को एक जन आंदोलन के रूप में चलने का ऐलान किया ताकि सांबा को पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त बनाया जा सके। नेशनल मजदूर कॉन्फ्रेंस के प्रधान सुभाष शास्त्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के हक में जुलाई 2019 से 5% महंगाई भत्ते की कीमत जारी करने की मांग की है। शास्त्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर सभी सुविधाएं देने का आश्वासन दिया था, लिहाजा उन्हें उम्मीद है कि वह जल्द ही अपने वादे पर खरा उतरेंगे। मुहर्रम के उपलक्ष्य पर जम्मू में आज शिया समुदाय ने मातमी जुलूस निकालकर करबला के शहीदों को याद कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। अंजुमन ए हैदरी तजीम की ओर से आयोजित ये जुलूस न्यू प्लॉट से होता हुआ करबला परिसर में संपन्न हुआ। जम्मू कश्मीर में यातायात नियमों में बदलाव के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस द्वारा जगह जगह जागरूक अभियान चलाए जा रहे हैं और लोगों को नए नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस कड़ी में नौशहरा पुलिस द्वारा बस स्टैंड नौशहरा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ट्रांसपोर्टरों के अलावा आम लोगों को जागरूक किया गया। औरों को नसीहत और खुद मियां फसीहत, ये मुहावरा जम्मू ट्रैफिक पुलिस पर स्टिक बैठता है। जहां एक और जम्मू ट्रैफिक पुलिस नए नियमों का डंडा लेकर ट्रैफिक कानून का उल्लंघन करने वालों को सीधा करने में जुटी हुई है, वहीं ट्रैफिक पुलिस द्वारा जम्मू शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल लाइटें किसी भी कायदे कानून पर नहीं चल रही हैं। राजौरी जिला प्रशासन ने दावा किया है कि जिले में सीमावर्ती इलाकों में पाक गोलाबारी से लोगों को बचाने के लिए बनाए जा रहे बंकरों का निर्माण कार्य एक महीने के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। ये बात डीसी राजौरी मोहम्मद एजाज असद ने नौशहरा में पाक गोलाबारी से प्रभावित हुए इलाकों के दौरे के दौरान कही। डीसी राजौरी के मुताबिक जिला प्रशासन ने बंकरों का निर्माण कर रही एजेंसियों को एक महीने का अल्टीमेटम दे दिया है। डीसी ने इस दौरान पाक गोलाबारी में हुए नुकसान का जायजा लिया और पीड़ित लोगों को 40,000 की राहत राशि भी वितरित की। पंचायतों को डायरेक्ट फंड्स उपलब्ध करवाने के लिए पंच सरपंचों ने सरकार का आभार जताया है। पंचायत कोटली मियां फतेह के सरपंच सुरेंद्र सिंह ने कहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि पंचायतों को डायरेक्ट फंड्स मिले हैं, जिससे पंचायत में भी विकास होगा।
एसआरटीसी से स्वेच्छा से रिटायरमेंट ले चुके मुलाजम कोला की बकाया किस्तों और छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के लाभ देने सहित अन्य मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे, लेकिन ना तो पूर्व सरकार और ना ही राज्यपाल शासन ने इन लोगों की सुनवाई हो पा रही है। गणेश महोत्सव के उपलक्ष्य में स्लैड में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें विशेष पूजा अर्चना के अलावा लंगर भी लगाया गया था। आज के टॉप 20 न्यूज में बस इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।